सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र प्रांतीय दैलिक महासभा की ओर से संविधान चौक पर अनशन किया गया। इस दौरान दैलिक महासभा से जुड़े लोग उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने पर कई लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये ओबीसी के साथ सरासर अन्याय है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र प्रांतीय दैलिक महासभा का भी कहना है। 288 मध्ये असल्यामुळे रोज पेपरला पाहतो की आज महाराष्ट्र सरकार पडतं की उद्या पडतं, सत्य तेच राहतील। तुम्ही आम्ही हे आंदोलनच करतो। तुम्हाला जर सत्तेत बसायचं असेल, आमच्या शिखर भवनला जर सत्तेत आणायचं असेल, ईश्वर भवनला सत्तेत आणायचं असेल, आमच्या वंदना करायला जर सत्तेत आणायचं असेल, तर आम्हाला हे सगळं विसरू। आमच्या कल्याणाच्या गोष्टी तो करेल तो आपला, तो संताजी परिवारातला, तो मेघना शहांच्या परिवारातला, तो बाबासाहेबांच्या कुळातला, हे समजून आम्हाला तुमची वाटचाल करावी लागेल। कुणाला इतरांना दोष न देता आपण आपल्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढलं पाहिजे, कारण आपण स्वतः लढल्याशिवाय आपले हक्क आपल्याला घेणार नाही हे सत्य आहे। त्यामुळं कुणाच्या भूतापणाला बळी न पडता अशी आश्वासनं गडकरी साहेबांनी दिले, स्टॅम्पर्सवर लिहून दिलं। आम्हाला उद्या आम्ही विदर्भ वेगळा करून देतो, विदर्भ वेगळ्या केल्याशी आम्ही लग्न करणार नाही। आपण एकदा विदर्भ वेगळा जर करू शकलो नाही तर मी संन्यास घेईन। मी तर म्हणतो घेऊन टाका, दुसऱ्यांना जागा द्या, तरी तुम्ही ते तरी करतो। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को दैलिक महासभा की ओर से इसके विरोध में उपोषण किया गया। उस वक्त उनका कहना था कि ओबीसीओ पर हो रहे अन्याय का तेली समाज विरोध करता है। उनका ये भी कहना था कि हमें अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना जरूरी है। बता दें कि संपूर्ण राज्य में शुक्रवार को दैलिक महासभा की ओर से आंदोलन किया गया, जिस कड़ी में शहर के संविधान चौक पर इस विरोध में अनशन किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।